हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लिए बहुत ही शानदार अपडेट आप लोगों के लिए। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से काफ़ी अच्छी पोस्टें रिलीज़ हुई हैं, जिसमें फ़िक्स टर्म अपॉइंटमेंट है। इसकी ओपनिंग डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 9th of July से ओपन हो रही है, और क्लोजिंग डेट जो है वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 29th of July बताई गई है। अगर आप एलिजिबल हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सारी चीज़ें मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फिक्स टर्म इंजीनियर सिविल में 11 पोस्टें वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, जिसमें ग्रेजुएशन बी बी टेक बी एस सी इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। फिक्स टर्म मैकेनिकल वालों के लिए 8 वैकेंसी रिलीज़ हुई है, इसमें बी बी टेक बी एस सी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स होनी चाहिए। और फिक्स टर्म इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, और फिक्स टर्म इंजीनियर सी एंड आई ई सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स टर्म इंजीनियर सी एस और आई एस ये सारे ही एलिजिबल हैं, यानी ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन वाले। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी रिज़ल्ट आ चुकी हो। मिनिमम एज जो बताई गई है नॉट लेस देन 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए एज़ ऑन 29th of July 2021, और मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कैटेगरी जो है एससी में 3 है, एसटी में 1, और ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 13, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 पोस्टें रिलीज़ हुई हैं। अब इनकी मंथली इनकम की बात करें तो इसमें 61,400 पर मंथ सैलरी बताई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है आप लोगों के लिए। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है, बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और टिल सेलेक्शन ऑफ पर्सनल ऑन रेगुलर बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। यानी आप फिक्स भी हो सकते हैं, परमानेंट जॉब लग सकती है 2 साल के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो। इसमें डिसेबल कैटेगरी के लिए भी बताई गई है नेम, इसमें सिविल के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, और इनमें सब ओएल कैटेगरी एचएच कैटेगरी ये सारी ही एलिजिबल हैं। सर्विस कंडीशन की बात करें तो ये एकोमोडेशन देंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी आपको, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी ही अलाउंस आपको मिलेगी। जॉइनिंग टाइम और ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जॉइनिंग द पोस्ट इन NPCIL ये भी है आपके पास। यूनिफॉर्म और लिवरीज, नो लिवरी आइटम शैल बी प्रोवाइडेड। लीव्स एंड हॉलीडेज, ये सारी चीज़ें आपको, बोनस, इंसेंटिव्स, अवार्ड्स, ये सारी ही चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसमें अप्लाई कैसे करना है तो इसमें आपको ऑनलाइन इनके पोर्टल पे जाना है www.npcilcareers.co.in पर, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फ्रॉम 9th of July से अवेलेबल हो जाएगी, उसके बाद ये 29th of July को क्लोज हो जाएगी 16 आवर्स। इट इज़ मैंडेटरी टू इनपुट ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सच एज क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, ड्यूरेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड वैलिडिटी पीरियड, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ई मेल एड्रेस टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन एंड गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर। कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप सच इन्फॉर्मेशन रेडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको, यानी अप्लाई करने से पहले पहले आपको रेडी रखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सारी क्वालिफाइंग डिग्री जो भी है आपके पास, परसेंटेज के सर्टिफिकेट और मार्क्स, ये सारी ही चीज़ें। और डॉक्यूमेंट्स में जो बताई गई है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट शुड हैव रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, उसकी साइज़ जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम जो पिक्सल बताई है 125x165 इन डायमेंशन। द फोटोग्राफ अपलोडेड विल बी प्रिंटेड ऑन द कॉल लेटर एंड ओनली द कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ इज प्रिंटेड ऑन द कॉल लेटर विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, ये बताई गई है। द फोटोग्राफ शुड बी इन कलर अगेंस्ट अ लाइट कलर, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड, एंड इफ़ यू वर ग्लासेस मेक श्योर डैट देर आर नो रिफ्लेक्शंस एंड योर आइज कैन बी क्लियरली सीन।
ये सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखनी चाहिए। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब लोकेशन की बात करें तो इनकी जो रिक्वायरमेंट कर्नाटका की है, और कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग जॉब लोकेशन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, काइंडली चेक एंड वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग टू द जॉब लोकेशन और जॉब नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आपकी जो है इंटरव्यू रहेगी, तो आप अप्लाई ज़रूर करें अगर एलिजिबल हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो मैं रोज़ाना अपलोड करता रहता हूँ, लेटेस्ट जॉब अपडेट और लेटेस्ट एग्ज़ाम न्यूज़, उनके लास्ट ईयर के पेपर्स। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ।